उसके अंदर कुछ है ही नहीं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है सभापति महोदय, मैं इस बात को गंभीरता के साथ गहराई से कहना चाहता हूं, क्या आखिर क्यों होता है ये? कौन पैसे गए? एनजीओ का पैसा देते हैं आप, यहां से पैसे कपाट से फलना से बाल विकास के लिए, महिला विकास के लिए, गरीब के लिए, और चलावे कौन एनजीओ? एनजीओ को कौन लटवरता है? कलेक्टर? क्या किसी एमपी के कहने से एक एनजीओ को पैसा देगा? कलेक्टर मालिक कौन है इस देश का? कलेक्टर मैं नहीं कहता, आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। हमारा देश समाज, हमारा देश समाज सरकार अभिमुख है और सरकार अफसर अभिमुख है, यानी जनता सरकार की नौकर है और सरकार अफसरों की नौकर है। लोकसभा वाद विवाद 4 अगस्त 1967 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। सर हम सरकार, हम अफसर के नौकर हैं। इस देश पर संसद का शासन है, संसद पर बहुमत दल का शासन है, बहुमत दल पर मंत्रिमंडल का शासन है, मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का शासन है, और प्रधानमंत्री के ऊपर कितनी अदृश्य शक्तियों का शासन है, और उस सब का सूत्र हिंदुस्तान के ये कलेक्टर से जुड़ा हुआ है, आईएएस अफसर से जुड़ा हुआ है। हम सदन में खड़ा होते हैं, भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, कॉमनवेल्थ गेम का आरोप लगाते हैं, मंत्री खड़ा होते हैं, अफसर को बचाते हैं। हम तो अफसर के गुलाम हैं, खाता है अफसर, पचाता है नौकर सा, लूटता है देश को नौकर सा, गरीब का खून पीता है नौकर सा, हड्डी चबाता है नौकर सा, ब्लैक मार्केटिंग कराता है नौकर सा, एफसीआई का गेहूं सड़ाता है नौकर सा। हमारे देश के बच्चे भूखे मरते हैं और एफसीआई के गेहूं सड़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। इसका कोई इलाज है क्या इस देश में? हाँ इलाज है, इलाज है। जिस दिन इस संसद के पिछड़े, दलित, अनुसूचित जाति, किसान मजदूर के बेटे जितने हो, चाहे किसी भी दल में हो, लेकिन जिस दिन स्वाभिमानी बनकर अपने दल के सीमा को तोड़ दो, अपने नेताओं के दुम को छोड़ दो, और कोई माने न माने इस संसद में बैठ जाओ और कहो जब तक इसका फैसला नहीं होगा तब तक संसद से हम उठ के जाएंगे नहीं, कहीं उसका नेतृत्व निकल सकता है, कर सकते हैं, कर सकते हैं शैलेंद्र जी। और हमने अगर आवाज उठाई तो जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते थे कि पिछड़ों की जनगणना को नहीं मानेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन किया, अगुवाई किया, लीड किया। इसलिए आपसे, छोड़िए उस मंदिर को, आप मंदिर पर क्यों जाते हैं? हम मंदिर पर जाते हैं लेकिन गरीबों के पैसे से अपनी मूर्ति नहीं बनवाते हैं। नेता आते हैं, अपने को सजाते हैं, निर्धन, निर्बल, दलित, पिछड़े के नाम पर नेता आते हैं, अपने को सजाते हैं। हीरे का हार होगा, रेशमी रूमाल होगा, बॉबी कटबाल होगा, हमारी मूर्तियां बन जाएगी, लोगों को बुलाएंगे, जय जयकार कराएंगे, ने अपने जाति को भरमाएंगे, देश को देश के नाम पर हम भी खाएंगे, तुम भी खाओ, इससे चलेगा हिंदुस्तान के। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, आप उसको मत छेड़िए, उस तरफ मत जाइए। हम राम के नाम पर देश को बेचे या कुछ किए, लेकिन जनता ने हमको वोट दे करके भेजा था। जनता के वोट का अपमान मत करिए। बहुत से लोग हैं जो हम अपने बहस को गलत दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्यों? हम जो विरोधी दल हैं उनका ध्यान भी उचित प्रश्नों की तरफ उतना ठीक नहीं जा पाता जितना गलत प्रश्नों को तरफ चला जाता है। शैलेंद्र जी हमारे और आपकी चीज है, वो पांडे जी की चीज नहीं है, वकील साहब की चीज नहीं है। विरोधी दलों का मुख्य लक्ष्य यह होना चाहिए कि सवाल अच्छे उठाए जाएं, गलत सवाल उठा दिए जाते हैं, चाहे जितना अच्छा जवाब दिया जाए लेकिन उससे वो देश की पूर्ति नहीं होती। सदन की शोभा तभी संभव है जबकि देश की शोभा बची रहती है। देश सदन को अलग करके देखने की परिपाटी और तरीका जब तक चलते रहेंगे तब तक शोभा बिगड़ती चली जाएगी। इसलिए देश और सदन दोनों की शोभा को बनाकर रखना है। गलत बहस को इस देश में चला दिया जाता है गलत की ओर, आओ ना गरीबी मिटाने के लिए,
मैं अपनी ओर से वादा करता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं और अगर संपूर्ण सदन निर्णय ले कि खर्च पर सीमा लगाओ, हुकुमदेव नारायण यादव अपनी प्राण की बाजी लगा देगा, अपनी सदस्यता को दांव पर लगा लेके खड़ा होगा। लेकिन कोई आओ तो हमें क्यों कहते हो? क्या मेरी यह जिम्मेवारी है? इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। भ्रष्टाचार पर चर्चा होती है, लेकिन सभापति महोदय भ्रष्टाचार मिटेंगे कब? केवल निर्गुण तर्क से नहीं, भ्रष्टाचार के मिटाने के लिए इसी सदन में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने चर्चा छेड़ते हुए भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई बात कही थी। क्या आज सदन के लोग, हम देश के लोग तैयार हैं? कानून का राज हिंदुस्तान में नहीं रह गया है, मनमानी का राज हो रहा है। तब लोहिया ने जो कहा था 1963 में, आज भी वह उसी तरह सत्य है। नियम अच्छे नहीं है या उनका पालन नहीं हो रहा है, नतीजा यह होता है कि सरकार के कामों में पक्षपात भरा हुआ है। उस पक्षपात में लोगों को पैसे का फायदा होता है या नहीं, यह दूसरे नंबर का सवाल है। पक्षपात, मनमानी, घुसखोरी, नियमों की अवहेलना, ये सब भ्रष्टाचार में समझे जाने चाहिए। भ्रष्टाचार के घेरे को व्यापक बनाइए। सिंहासन और व्यापार के संबंध के तरफ भी मैं आपका ध्यान खींचूंगा। यह संबंध जितना हिंदुस्तान में दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। हमें केवल यह देखना है कि क्या किसी बेटे या बेटी या रिश्तेदार, मेरी तो यह राय है कि दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों ने उनके संबंधी के सिंहासन पर बैठने के कारण कोई लाभ उठाया है या नहीं। आज हिंदुस्तान में यही कसौटी रहनी चाहिए कि सिंहासन पर बैठे लोगों की मदद लेकर क्या किसी ने लाभ उठाया है व्यापार में। ऐसा कोई व्यापार जहां पर कि मंत्री को कोई कोटा या परमिट या लाइसेंस देना पड़ता हो, उसमें मंत्री के दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब तक यह सिद्धांत आप नहीं अपनाते हैं, तब तक सिंहासन और व्यापार का संबंध बिगड़ा ही रहेगा। क्या आज हिंदुस्तान के इस संसद को, लोकसभा को, राजनीतिक दल को और संसद सदस्यों में हमारे अंदर इतनी नैतिकता, इतनी आध्यात्मिकता, इतनी राष्ट्रीयता, इतनी मानवता, इतनी उदारता, इतनी दयालुता है क्या? है क्या? इसलिए मैं इस संसद में खड़ा होकर के जब बोलता हूं तो मैं इस संसद में ही नहीं, हिंदुस्तान के करोड़ों उन लोगों को कहता हूं कि किसकी आशा कर रहे हो? छोड़ो इस संसद की आशा, छोड़ो इस राजनीतिक व्यवस्था की आशा, छोड़ो इस प्रशासनिक व्यवस्था की आशा। तुम हथियार उठा करके नक्सलाइट मत बनो, हिंसा की राजनीति पर मत जाओ। तुम अगर मर्द हो और तुम्हें अपनी मां की दूध की लाज बचानी है, तो आ जाओ दिल्ली में इस सड़क पर, फुटपाथ के नीचे जो छोटे छोटे बच्चे कीड़े के जैसे रेंगते हैं, उन 20 लाख मां बापों को एकत्रित करो, उनमें ताकत पैदा करो और गांधी जी के जैसे तुम संसद और दिल्ली के सड़कों को घेर लो और कहो, जब चाहे हमला जैसा होगा, मेरा हाथ नहीं उठेगा, न मारेंगे न मानेंगे, अपना हक हम लेके रहेंगे। जिस दिन यह ताकत पैदा करोगे, उस दिन हिंदुस्तान का स्वरूप बदलेगा, उन गरीब के बच्चे बदलेंगे, उनके सब कुछ बदलेंगे। अंत में मैं ज्यादा समय न लेते हुए प्रार्थना करूंगा कि हिंदुस्तान के ये गरीब बच्चे हैं, गांधी ने कहा, लोहिया ने कहा, दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, अंबेडकर ने कहा, सबने कहा, कोई समता समाज, कोई समरस समाज, कोई अंतिम मानव, ये सारे सिद्धांत हिंदुस्तान में आए और उनके मानने वाले गद्दी तक भी आए, लेकिन उन सबके शिष्य अपने अपने गुरुओं को भूल गए। इसमें मैं किसी एक का नहीं कहूंगा। गांधी को गांधी की मूर्ति बना दी गई, उनके गले में माला डाल दी गई, अंबेडकर की मूर्तियां बन गई, उनके गले में माला डल गई, लोहिया के दीनदयाल की मूर्तियां बन गई, उनके गले में माला डल गई, लेकिन उनके आदर्श और सिद्धांत को राजनीति ने नहीं अपनाया है। इसलिए इन बच्चों को रोटी, कपड़ा और मकान मिलेगा तब जब उनकी मां की कोख मजबूत होगी, तब जब मां के कोख से ही बच्चे बीमार निकलेंगे, विकलांग निकलेंगे, उनको कैसे सुधार सकते हो? उन मां के स्तन में दूध नहीं है, शरीर में खून नहीं है, पेट में बच्चा लेती है, 8 घंटे मजदूरी करती है, सर पर टोकरी उठाती है, ईंटा गारा उठाती है, खाली पेट सूती है, मां को सूखी रोटी और नमक प्याज खाती है और एक तरह
200 रुपया रोज इंसान खर्च कर रहा है। आ उठो, इस कुत्ते के ऊपर 100 रुपया खर्च करने वाले हिंदुस्तान के गरीब बच्चों को भूखे रखने वाले की दुनिया को तोड़ दो, तब नया हिंदुस्तान बना सकते हो। बना सकते हो क्या? हम कर सकते हैं क्या? नहीं करेंगे हम। नहीं करेंगे इसलिए नहीं करेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा रिश्ता भी उनसे बन जाता है, उनसे जुड़ जाता है, हम कहीं दब जाते हैं। इसलिए हम कठोरता के साथ अपनी करुणा की धारा को प्रवाहित नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, आओ। कौन चलेगा आज देश से भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने, सत्ता से टकराने को? आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है, तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। लाख लाख झोपड़ियों में तो छाई हुई उदासी है, सत्ता संपत्ति के बंगले में हस्ती पूरन मासी है, यह सब अब न चलने देंगे, हमने कसमें खाई है। तिलक लगाने तुम्हें जवानों क्रांति द्वार पर आई है। जिस दिन यह संसद का स्वरूप बदलेगा, संसद का रूपांतरण होगा, संसद का कायाकल्प हो जाएगा, जिस दिन इस संसद में करुणा आ जाएगी, जिस दिन इस संसद में मानवता आ जाएगी, जिस दिन इस संसद की धरती कड़ाह उठेगी, जिस दिन हम उस मिट्टी की कड़ाह को समझ लेंगे और समझेंगे कि हिंदुस्तान की माता 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 है, चाहे वह राजमहल की हो, चाहे वह झोपड़ी की हो, माता माता है। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमस्तस्यै। जब तक उन माताओं के दूध में स्तन में दूध न हो, उनके पेट में खून शरीर में खून न हो, उनके पेट में रोटी न हो, वो सूखी रोटी खाएं, वो प्याज खाएं। और एक तरफ कुछ माँ हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ड्राई फ्रूट खाते हो, फ्रूट खाते हो, हरी सब्जी खाते हो, बटर मक्खन खाते हो, लाख लाख चीज खाते हो, तेरे बच्चे पेट के अंदर बच्चे बलवान पुष्ट बुद्धिमान होते हैं, और मेरे बच्चे माँ के पेट में ही विकलांग होते हैं। हिंदुस्तान के 95% माताओं के गर्भ आज इतने कमजोर हो चुके हैं कि उनमें से विकलांग बच्चे पैदा ले रहे हैं। जहाँ 95% माता की कोख कमजोर हो, माता के शरीर में खून न हो, बच्चे विकलांग पैदा हो, वो राष्ट्र कभी सबल और राष्ट्र कभी समृद्ध हो नहीं सकता है। इसलिए झगड़ा 5-10% ऊपर वाले के बीच का फंसा हुआ है। आइए हम सब अपने को बदले, अपनी सुविधा की बात छोड़े, अपने सुख की बात छोड़े, हम आइए इस राष्ट्र के निर्माण के लिए, उन बच्चों और भविष्य के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने से भी भारत का भविष्य बन सकता है। तो भारत के भविष्य को बनाने में लगे तभी कुछ निकल सकता है, नहीं तो ये बहस निरर्थक है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद हुकुमदेव जी।